आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। सीपीआईएम नेता व पूर्व राज्यसभा सांसद वृंदा करात गुरुवार को डूंगरपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर रही। अपने दौरे के दौरान करात ने डूंगरपुर विधानसभा सीट से सीपीआईएम के उम्मीदवार गौतम डामोर के समर्थन में बिछिवाड़ा में चुनावी सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में वृंदा करात ने केंद्र व राजस्थान की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा को गरीब, दलित, आदिवासी व किसान विरोधी सरकार बताया। करात ने कहा कि भाजपा ने अपनी सरकार के समय आदिवासियों के अधिकारों को छीनने का काम किया है। अपने संबोधन के दौरान करात ने धर्म की राजनीति व राम मंदिर मामले पर भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा। इस मौके पर वृंदा करात ने आमजन से इस बार चुनाव में सीपीआईएम के उम्मीदवार गौतम डामोर को अधिक से अधिक वोट देते हुए जिताने का आह्वान किया। खबर आपकी राजस्थान से परवेश जैन की रिपोर्ट। अभी राजस्थान की चुनाव 7 दिसंबर को जो होने वाला है, लेकिन पहले जनता का मत बिल्कुल स्पष्ट है कि जहाँ भी हम गए हैं राजस्थान में, ये स्पष्ट है कि वसुंधरा राजे की सरकार गई। और इस बात को लेकर कि उन्होंने जो चुनावी वायदे किए थे 5 साल पहले, वो पूरे तौर पर फेल हुई है। और उनकी नेताओं से भी जो दिल्ली से आते हैं, उनका पूरा जो मैं क्या कहूँगी दिल्ली गैंग, ये जो सारे यहाँ आते हैं, उनकी भाषा से भी बिल्कुल स्पष्ट है। अभी उनकी जबान पर एक बात विकास की नहीं है, अभी उनको बस राम भरोसे अभी ये हो गए। और मुझे लगता है कि राजस्थान जैसी जगह में धर्म का इस प्रकार का दुरुपयोग करके आप मंदिर के नाम पर अभी आप उसको ही अपने चुनावी सिंबल बना रहे हैं, तो लोग इसको पसंद नहीं कर रहे। वो कहते भाई पहले ये बताओ 15 लाख नौकरी कहाँ गई, पहले ये बताओ आदिवासियों की जमीन तुम छीन रहे हो, आदिवासियों के अधिकार का तुम हनन कर रहे हो। तो ये और आम लोगों में अभी बड़ा असंतोष है। हमारा ये स्लोगन है हमारी पार्टी का, राजस्थान बचाओ, बीजेपी हराओ, लाल झंडा को बढ़ाओ। और हमारा उद्देश्य है इस पूरे चुनाव के संघर्ष में कि इस बार बहुत मजबूती के साथ हमारे पार्टी का प्रदर्शन विधानसभा में। क्या मानते हैं मैडम, कितनी सीटें ला पाएंगे आपकी पार्टी? अब ये तो मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ और जनता के ऊपर छोड़ती हूँ, लेकिन निश्चित रूप पर जो रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, क्योंकि जो मुद्दे हम उठा रहे हैं इसका एक बड़ा रिस्पॉन्स जनता से मिल रहा है, तो इस बार विधानसभा में लाल का एक बहुत अच्छा प्रदर्शन। मैडम, हर बार बीजेपी जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं वैसे राम मंदिर को लेकर अपना मुद्दा रखते हैं, इस बार भी उन्होंने राम मंदिर को एक बार फिर से छेड़ा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? इस बार राम मंदिर को छेड़ा है, इस बार योगी तो और भी आगे बढ़ के हनुमान की बात भी कहकर कह दिया कि उन्होंने घोषित कर लिया है कि भगवान भी उनकी नज़र में सब जाति आधारित है, तो उनको तो दलित बना दिया है। लेकिन दलितों का क्या प्रक्रिया है, वो कह रहे हैं कि भाई आप हमारे मंदिर के अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं, आप हमारे कानून को समाप्त करने जा रहे हैं, आप हमारे नेताओं को सारे जेल में भेज रहे हैं, तो आज हमारी वोट बटोरने के लिए आप क्या कर रहे हैं? और आदिवासी उतने ही परेशान हैं जितने इस पूरे क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में हम आज बैठे हैं। सारे अधिकतर MLAs बीजेपी के हैं, और उनसे पूछे कि पूरा 5वां शेड्यूल के जो अधिकार है आदिवासियों का, सब समाप्त हो गया। ये रिको जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में पूरा जमीन ले लिया आदिवासियों की, कोई फैक्ट्री लगी नहीं, कोई आदिवासी नौजवान को नौकरी नहीं दी, और आज दोबारा वोट के लिए खड़े हो गए। शर्म आनी चाहिए लोग।